के बाद हम लोग बढ़ते हैं अब अपने सबसेक्शन 2 की तरफ। तो यहाँ पे सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 में बात किया जा रहा है कि जो भी रेसिपिएंट ने सप्लायर का टीडीएस एज अ टैक्स डिडक्ट किया है उसे कब तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। तो आइए देखते हैं उसका भी प्रोविजन क्या है। यहाँ सेक्शन 51 सबसेक्शन 2 में लिखा है अमाउंट डिडक्टेड एज टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द गवर्नमेंट बाई द डिडक्टर विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच डिडक्शन इज मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ लिखा है कि इन 6 स्पेसिफाइड पर्सन्स ने जो भी टैक्स एज अ टीडीएस सप्लायर को पेमेंट करने के टाइम पर या सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करने के टाइम पर डिडक्ट किया है डिडक्टेड टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करने की आखिरी तारीख है 10th of next month। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई सप्लायर है जिसने की 6 स्पेसिफाइड पर्सन में से किसी को गुड्स या सर्विसेज टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई की 15 सितंबर 2018 को और उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से जिस 6 स्पेसिफाइड पर्सन है उसमें से किसी के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से जिसको भी सप्लाई की गई है इसका पेमेंट अप्रूव होता है 10 अक्टूबर 2018 को और 10 अक्टूबर 2018 को ही उस सप्लायर को पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करके कर दिया जाता है। तो इस केस में जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है रेसिपिएंट द्वारा 6 स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा उसका पेमेंट उस 6 स्पेसिफाइड पर्सन को कब तक करना होगा। यहाँ लिखा है कि उसका पेमेंट करना होगा जिस मंथ में टीडीएस डिडक्ट किया गया है और टीडीएस डिडक्ट कब करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है या तो पेमेंट के टाइम पे या तो उसके बही खाते को क्रेडिट करने के टाइम पे। तो यहाँ पेमेंट किया गया 10 अक्टूबर 2018 को तो उसी दिन डिडक्ट कर लिया गया टीडीएस। अब इसका पेमेंट गवर्नमेंट को करना होगा अक्टूबर में पेमेंट टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो अक्टूबर खत्म होने के बाद अगले महीने यानी कि नवंबर में 10 दिनों के अंदर अंदर यानी कि 10 नवंबर 2018 तक उस टीडीएस का पेमेंट उस डिडक्टेड टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को कर देना होगा। और इसके लिए दोस्तों वहां पे पेमेंट का ऑप्शन है डायरेक्टर के पास, वो उसको एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू कर सकता है या ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर के ऑप्शन से भी पेमेंट कर सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में बात किया हुआ है सर्कुलर नंबर 65/39/2018 में जिसमें मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए हैं एनईएफटी से कैसे पेमेंट करना है या ओटीसी से कैसे पेमेंट करना है। अगर जैसे एक केस और है कि कोई 6 स्पेसिफाइड पर्सन में से कोई पर्सन जो है वो एक से ज्यादा टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं और एक से ज्यादा सप्लायर्स का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं एक ही महीने में तो उसका पेमेंट कैसे करना है, इस बात को भी हम लोगों ने टैकल किया है, इस बात को भी हम लोगों ने कवर किया है सर्कुलर नंबर 65/39 वाले वीडियो में। और जो सीजीएसटी रूल्स का रूल 87 है वो बताता है कि स्पेसिफाइड पर्सन जब पेमेंट करेगा टीडीएस का तो उस टाइम पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट होगा और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी लेजर क्रेडिट किया जाएगा। तो इसके साथ ही दोस्तों हम लोगों को पता चल गया कि डिडक्टेड टीडीएस को पेमेंट करने की आखिरी तारीख क्या है, वो है जिस महीने में भी टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसके नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक वो जो डिडक्टर है जो रेसिपिएंट है वो उसको गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर सकता है। वैसे मैंने आपके साथ सर्कुलर नंबर 65/39 में बात किया हुआ है कि अगर जो डिडक्टर है जो रेसिपिएंट है वो चाहे तो जिस दिन उसने डिडक्ट किया है उस दिन भी वो गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कर सकता है। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड और हमें लिखा मिला प्रेस्क्राइब, तो प्रेस्क्राइब को हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। फिलहाल जहां भी आपको प्रेस्क्राइब वर्ड लिखा मिले इसका मतलब है कि उसके लिए रूल्स में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे जो प्रेस्क्राइब लिखा है इस सबसेक्शन 2 में उसका मतलब लिखा हुआ है रूल 66 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में, और वहां लिखा है कि जो डिडक्टर होगा उसको नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट किया गया है उसके अगले महीने की 10 तारीख तक एक GSTR 7 टीडीएस के लिए रिटर्न भरना होगा, टीडीएस के लिए रिटर्न फॉर्म भरना होगा और उसको कॉमन पोर्टल पे या किसी फैसिलिटेशन सेंटर पे जाके डिपॉजिट कराना होगा। और इसकी बात हम लोगों ने भी सर्कुलर नंबर 65/39 में की। तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट होता है ये सबसेक्शन 2।